पाचपावली पोलीस स्टेशन अंतर्गत राणी दुर्गावती चौकाजवळ चाकूने हल्ला करून अबू अहमद याचा खून केल्याची घटना घडली आहे. मृतक अबू अहमद हा मूळचा बिहार येथील असून पिली नदी परिसरात भाड्याने राहत होता. आरोपी हे दारूच्या नशेत असून त्यांनी अबू अहमद याच्यावर चाकूने हल्ला केला. हल्ल्यात मृतक गंभीर जखमी झाला असून त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी अवघ्या 2 तासात एका आरोपीच्या मुसक्या बांधल्या असून एका आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहे. बराबर है, वो भी कुछ दिन पहले टेकावस्ती से उधर कड़मना एरिया में गया था माजरी की तरफ. और ये आरोपी जो मृतक है, मृतक भी पीली नदी की तरफ भाड़े पर रहने वाला मूल बिहारी है. वो भी दारू पीने की लत थी उसकी. वो पीते पीते यशोधरा से ये क्रॉस होके इधर में बैठा था पाचपावली एरिया में. और आरोपी भी उधर से दारू लेके वो भी यही एरिया में बैठा था. इसके पहले भी कुछ प्रकरण में आरोपी को बुलाया था. मैं उसको चेहरा जो सीसीटीवी देखा है उसके हिसाब से उसका नाम भी जल्दी ट्रेस हुआ. हमारे डीबी पार्टी ने तुरंत उसको कस्टडी में ले लिया. उसका नाम है माजिद कादिर अंसारी, उम्र करीबन 25 साल है. ये भी उस दिन नशे में था. नशे की वजह से उसको पुरानी वैसा दुश्मनी कुछ नहीं थी. ये नशे की वजह से वो चाकू चलाया उसने और उसके वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होके वो उसकी डेथ हुई है. मृतक का नाम है अबू हमजा जलालुद्दीन है. ये मतपेन करके बिहार का है, वो मधुबन डिस्ट्रिक्ट का. और ये इधर ही काम करने आया. वो सैफी शेख करके एक पीली नदी का एक कपड़े का व्यापारी है. उसके यहाँ गोडाउन में काम करता था और वहीं पे रुकता था. अनमेरिड है, थोड़ा दारू पीने की उसकी लत लगी थी. उसी का वही एरिया का रहने वाला ये भी है एक आरोपी तौसीफ अंसारी करके, वो फरार है. और एक आदमी एक आरोपी की ताबीम ली है. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. पीसीआर के बाद में असली और कारण की और भी जानकारी लेंगे तपास में.